देखिए आज मैं आपको क्या जगह बताने वाला हूँ। देखिए इसको बोलते हैं कच्ची हल्दी, जो इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये जो वो आपने, अगर आपने कभी इसको उगाया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं उगाया है हल्दी, अगर आपने खाई है हल्दी तो सभी खाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि कैसे जो वो हल्दी निकलती है। इसको हम लोग जो वो टर्मरिक जो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम हिंदी में जो वो क्या बोल सकते हैं, या कच्ची हल्दी इसको बोला जा सकता है, रॉ टर्मरिक जो वो इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इससे जो वो हल्दी बनेगी जो आप सब्जी में डाल करके जो वो तड़के में डाल करके खाते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है बनाने का वो ये है कि हम लोग जो वो जैसे इसको उगाते हैं, जो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, या इसको जो वो पहले उगाया जाता है और काफ़ी एक दो साल बाद भी जो वो कई बार निकाला जाता है, या दो या तीसरे साल भी जो कई बार इसको निकाला जाता है। तो ये जो हमने अभी निकाली है, ये 2 साल के बाद जो हमने इसको निकाला है मिट्टी में से, और इसके बाद जो वो इसको साफ़ करेंगे, जो इसकी रूट्स है आपको दिखाई दे रही है, इसको जो वो यहाँ से निकालेंगे और इसको साफ़ करेंगे, जो मिट्टी है उसको निकालेंगे, फिर इसको जो वो थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे ताकि और जो वो मिट्टी जो वो निकल जाएगी, फिर जो वो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी बॉईल करने से, और इसका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जल्दी जो वो बॉईल करने के बाद जो वो सूख भी जाएगी, ठीक है। और इसका जो कलर है बॉईल करने से जो वो थोड़ा और जो वो गाढ़ा हो जाता है, और इसके जो वो छोटे छोटे पीसीस कर दो, चाहे आप मिक्सी में डाल के कर लो या ग्रीस कर लो इसकी, ठीक है, या तो छोटे छोटे मतलब कि पाउडर ही तो बनाना है, जैसे मर्जी कर लो, छोटे छोटे पीसीस कर लो, या इसको जो वो कूट करके जो वो आप कर सकते हैं, और जो वो कुछ एक दो दिन, 2 या 3 दिन तक जो वो सूखने के लिए रखते हैं, और उसके बाद जो वो इसको अगर आपके घर में मिक्सी है तो, अगर थोड़ी है मतलब कि यहाँ तो बहुत सारी है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास जो वो थोड़ी सी हल्दी है कच्ची हल्दी, तो आप जो वो उसको मिक्सी में डाल करके भी जो वो उसको कर सकते हैं, तो फिर जो वो एक प्रकार से बिल्कुल प्योर हल्दी जो वो आपके पास बन जाएगी।